नमस्कार दोस्तों, SSC GD के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पर सीट कंपटीशन कितना है। क्योंकि जब मैंने निकाला एनालिसिस तो देखा कि इस बार तो बहुत कम बच्चे SSC GD में अप्लाई किए हैं पिछले साल के मुताबिक। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि बच्चे कम अप्लाई किए हैं तो कटअप भी कम जाएगा, ठीक है। तो SSC GD में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि लास्ट डेट आप जानते हैं 14 अक्टूबर है, अभी भी अप्लाई करने का समय है। अगर अभी तक भी आप वेट करें तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, या कौन सा बुक खरीदे, या कौन से टीचर से पढ़े यूट्यूब में फ्री में, या पेड कोर्स लें, ठीक है, तो हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ऑल स्टेट का कट ऑफ क्या जाने वाला है ये भी हम बताएंगे कि कैसे आप जाने, और BSF CRPF CISF कितने नंबर पर कौन सा पोस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि आप लोगों के लिए PDF आ चुका है, PDF के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। PDF के बारे में आपको चैनल के कम्युनिटी पर भी जानकारी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब बच्चों का यहाँ 2018 से लेकर 2025 तक आपके लिए मैंने मेहनत करके इतना ये पूरा डाटा निकाला है। अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसी लिख लेते हैं। तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी निकली थी, वे देखिए हम यहाँ पर अप्रॉक्स फिगर ले रहे हैं, आपका 210 वैकेंसी निकला था। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2018 में कि आपकी 60,000 वैकेंसी निकली थी, कितना 60,000 वैकेंसी निकली थी। तो यहाँ पर अगर 2021 का ले कि 2021 में कितना वैकेंसी निकला था आपका, तो 25,000, कितना आपका 25,000 वैकेंसी निकला था। वहीं पर 2022 की बात करें तो 2022 में आपका 50,000 वैकेंसी निकला था, कितना 50,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। और 2023 में जो वैकेंसी निकली थी 46,000, कितना 46,000। और इस बार जो वैकेंसी निकली है 39,481, कितना आपका 39,481। तो इसको हम अप्रॉक्स फिगर करके इसको हम ले सकते हैं कि ये जो निकली आपकी 40,000, कितनी 40,000 वैकेंसी, ठीक है, SSC GD में। अब कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 2018 में आपका 52 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितना आपका 52 लाख, ठीक है। के मतलब क्या हो गया आपका, के मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि के मतलब आपका हो गया 1000, क्या हो गया आपका, हो गया 1000, ठीक है। एल मतलब हो गया लाख, ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह का कमी है। 2018 में अप्लाई जो हुआ था बच्चों का, 52 लाख बच्चे अप्लाई किए थे। वहीं पर अगर अब मैं देखूँ 2021 में, ठीक है, 2021 में कितने बच्चे अप्लाई किए थे, 71 लाख, कितना आपका 71 लाख, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि 2022 में, तो 2022 में जो बच्चे अप्लाई किए थे 54 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, 54 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई किए थे। वहीं पर 2023 में देखें अगर, तो यहाँ पर 47 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, ठीक है, 47 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बच्चे प्रेजेंट कितने थे ये सब में, ठीक है, तो बच्चे जो प्रेजेंट थे 2018 में, बच्चे प्रेजेंट कितने थे, तो यहाँ पर 30 लाख बच्चे प्रेजेंट थे, कितना 30 लाख बच्चे 2018 में प्रेजेंट थे। वहीं पर अगर देखें 2021 में, तो 2021 में जो बच्चे प्रेजेंट थे आपके 39 लाख, ठीक है, 39 लाख बच्चे प्रेजेंट है आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और यहीं पर बात करें कि 2022 में 35 लाख। देखो होता क्या है कि सब बच्चा फॉर्म भर देता है लेकिन हर एक बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आता है, ठीक है। 2023 में देखें यहाँ पर, तो 30 लाख बच्चा, कितना 30 लाख बच्चा प्रेजेंट था, कितना आपका 30 लाख बच्चा प्रेजेंट था। और वहीं पर अगर हम देखें परसेंटेज, ठीक है, कि कितना परसेंट यहाँ पर, कितना परसेंट बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट का ही परसेंट निकाला हुआ है। तो 30 लाख मतलब देखिए यहाँ पर जो हुआ, टोटल वैकेंसी थी 60,000, फॉर्म अप्लाई जो हुआ 52 लाख, बच्चा प्रेजेंट था 30 लाख, बच्चा प्रेजेंट था 30 लाख, तो उसका परसेंटेज जो हो गया आपका 58% बच्चा यहाँ पर जो था प्रेजेंट था। 100% होना चाहिए लेकिन मात्र 58% 2018 में आपका प्रेजेंट था बच्चा। तो उसी तरीका के अगर हम बात करें कि पर सीट कंपटीशन जो था, तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 96 का था, कितना का था 96 का था। 2018 में देखिए 60,000 वैकेंसी निकली, अप्लाई 52 लाख हुआ, बच्चे आए 30 लाख, ठीक है, 30 लाख बच्चा प्रेजेंट हुआ एग्जाम देने के लिए, मतलब 58% बच्चा मात्र प्रेजेंट हुआ। और पर सीट कंपटीशन 96 था, एक सीट के लिए 96 बच्चा फाइट कर रहा था, ठीक है। तो वहीं पर बात करें 2021 की, 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, अप्लाई जो आपका हुआ था 71 लाख, प्रेजेंट जो बच्चे थे, ठीक है, यहाँ पर 39 लाख, कितने 39 लाख बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो उसमें जो आपका परसेंटेज था प्रेजेंट का, वह 55%, ठीक है, मात्र 55% बच्चे प्रेजेंट किए थे, जिसमें पर सीट कंपटीशन जो आपको था 283, कितना 283 पर सीट बच्चा में कंपटीशन था। 2022 का अगर देखें तो इसमें वैकेंसी थी 50,000, अप्लाई हुआ था 54 लाख, बच्चे प्रेजेंट थे 35 लाख, परसेंटेज में अगर देखें तो 65%, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं को मिल रहा है 65% बच्चे यहाँ पर
प्रेजेंट हैं, जो कि अगर पर सीट कंपटीशन हम लोग यहाँ का देखें तो 107, कितना 107 आपका पर सीट कंपटीशन था। 2023 का अगर हम देखते हैं तो वैकेंसी थी यहाँ पर 46,000, ठीक है, बच्चे जो अप्लाई किए 47 लाख, ठीक है, बच्चे जो प्रेजेंट थे 30 लाख। तो अगर परसेंटेज में देखें तो वह आपका होगा यहाँ पर लगभग आपका 66% के आसपास होगा, ठीक है। तो यहाँ जो पर सीट कंपटीशन होगा आपका 101, कितना पर सीट कंपटीशन 101। अब हम लोग का जो ये न्यू वैकेंसी निकला है जिसमें कि आपकी जो वैकेंसी है 39,048 वैकेंसी, जिसको कि हम मान लेते हैं 40,000 वैकेंसी, ताकि हमको अप्रॉक्स फिगर निकालने में आसानी हो। तो ये 40,000 वैकेंसी के लिए जो अभी तक अप्लाई हुआ है, ठीक है, आपका 9 तारीख तक, 9 अक्टूबर तक, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक जो अप्लाई हुआ है आपका करीब आपका यहाँ पर 30 लाख अप्लाई हुआ है, कितना 30 लाख अभी तक अप्लाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो आपका अप्लाई होगा, ठीक है, आपका 14 अक्टूबर तक जो अप्लाई होगा लगभग 40 लाख, कितना 40 लाख, 40 लाख प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, हो सके 40 लाख से ज़्यादा हो जाए या 40 लाख से कम हो, तो 40 लाख के आसपास अप्लाई होगा, ठीक है। तो 40 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है आपका 14 अक्टूबर तक। तो इसमें जो परसेंटेज हम लोग देखते आ रहे हैं 58, 55, 65, 66, तो हम लोग एक बीच का परसेंटेज एवरेज ले लेते हैं कि मान लेते हैं 62% बच्चा ही प्रेजेंट रहेगा, तो उसका 62% जो हो गया वह आपका हो गया करीब 25 लाख के आसपास, कितना कि 25 लाख बच्चा आसपास प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, 25 लाख के आसपास बच्चा प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ जो पर सीट कंपटीशन होगा वे इन सभी से कम रहेगा, सिर्फ ये 2018 से मैच करेगा, ठीक है, इन सभी से कम रहेगा। अगर मान के चले तो आपका पर सीट कंपटीशन जो रहेगा वह 99 रहेगा, कितना 99, मतलब एक बच्चा 99 सीट के लिए फाइट करेगा। इसको राउंड ऑफ करके आप 100 कर लीजिए, ठीक है, राउंड ऑफ करके 100 कर लीजिए। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे पूछा होगा कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, आपसे पूछा होगा। तो इसमें आपका क्या होता है ना कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, जो कि सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक स्टेट, एक सेंट्रल। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वह काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर आपको डीवी में कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट बनवा लो। जैसे कि ओबीसी है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी भी सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में सबसे नीचे हर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ब्लॉक में दिखा के बता सकते हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा लो, और अगर आप अभी लेट से बनवा रहे हो तो साथ में आपको हैप्पी डेबिट भी कराना होगा। बात करते हैं टेस्ट बुक के बारे में। अब ये टेस्ट बुक है क्या, टेस्ट बुक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको मिलता है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है, एक तो पहला मिल गया मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीज़ मिलता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बुक्स के बारे में बात करें तो बुक देखिए दो तीन तरीके का आपका बुक होता है। एक बुक की अगर हम बात कर लें तो आपका सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिख लेते हैं, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। बहुत बच्चा तो ये डाउट में रहता है ना, जीडी वाला बच्चा, कि इंग्लिश हिंदी दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में सब देखिए, ये एग्ज़ाम सब जो देख रहे हैं ना, मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है, पहली बात तो ये तीनों का बता दें कि आप बहुत सारे 13 रीजनल लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ठीक है, अदर अदर लैंग्वेजेस दिए गए हैं जो कि मैं आपको डिटेल दे दूंगा, तो उसमें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इंग्लिश हिंदी है इसमें से कोई एक को आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप हिंदी बना लीजिए या तो आप इंग्लिश बना लीजिए, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी सब के लिए एक बुक का सॉल्यूशन है फिलहाल शुरुआत में, जिसका नाम है एसएससी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन, ठीक है, एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन, एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये बुक मिलेगा कहाँ, ठीक है, एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो बुक मिलेगा एसएससी जीडी किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आप जाइए वहाँ क्या बोलते हैं, किसी भी अपने आसपास के कंपटीशन वाला बुक जहाँ मिलता है वहाँ जाके बोलिए कि आपको ये बुक मंगा देने है, वहाँ डायरेक्ट मिल ही जाएगा ये बुक, ठीक है। अगर बात करें आपका एक सबसे बड़ा वाला दिक्कत होता है जीके में, ठीक है, जीके का जो पार्ट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है, जीके में जो पार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस जो होता है, उसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर तीनों आता है,
इसके लिए आप बहुत सारा YouTube वीडियो देखते हैं, आपको समझे में नहीं आता कि जी के जी एस करेंट अफेयर कहाँ से करें, कर रहे हैं लेकिन उसका तैयारी हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए बेस्ट बुक बताते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का, SPEEDY, स्पीडी पब्लिकेशन का जी के जी एस और करेंट अफेयर का बुक आता है, बहुत सस्ता मिलता है, 100-150 करके। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, सर्च करके देखिएगा स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर, ठीक है। उसमें जीडी डालने का जरूरत नहीं है, उस सब के लिए करंट अफेयर तो सेम रहेगा, जीके सेम रहेगा, जीएस सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि YouTube पर फ्री में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। फ्री में पढ़ाई करना है तो YouTube पर कुछ टीचर्स हैं, मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर, रीजनिंग के लिए अरुण सर, ठीक है। जीके जीएस के लिए तो बुक बता दी, YouTube पर जाने की जरूरत नहीं है, स्पीडी पब्लिकेशन का बुक। इंग्लिश या हिंदी के लिए भी इसी बुक से काम हो जाएगा, किरण पब्लिकेशन वाला बुक से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिएगा, इंग्लिश हिंदी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑल स्टेट कट ऑफ, तो ऑल स्टेट कट ऑफ का यहाँ पर देखिए मतलब क्या है कि एसएससी जीडी में हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। आपका झारखंड का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, ठीक है, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, दिल्ली हो या मुंबई, ठीक है, सबका। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं एक एक स्टेट का कट ऑफ लाते जाऊँगा, अब कट ऑफ का सीरीज आएगा, दो तरह का कट ऑफ आएगा यहाँ पर। एक तो जो बच्चा अभी फिजिकल दिया है उसके लिए फाइनल मेरिट आएगा, ठीक है, उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट लिखा हुआ रहेगा, वो भी आपको देखना जरूरी है, ताकि आपको समझ पाए कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। क्योंकि देखिए एग्जाम के बाद एक कट ऑफ लगता है, ठीक है, एग्जाम के बाद एक कट ऑफ लगता है, फिर वे जैसे कि एग्जाम 160 नंबर का आपका हुआ, ठीक है, तो एग्जाम में आप लाए 110 नंबर, तो 110 में सिलेक्शन नहीं होगा आपका, जब फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन 120 से लेकर 125 नंबर पर सिलेक्शन होगा, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है, उतना कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता है। बात करें यहाँ पर BSF, CRPF, CISF, ITBP, असम राइफल, SSF, SSB और NCB, तो ये सब जो है कितने मार्क्स पर मिलता है, ठीक है, जैसे BSF में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है, तो कितने मार्क्स पर कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसके लिए भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें PDF, तो आप लोगों को बहुत जल्द PDF जो है रेडी हो गया, बस उसमें थोड़ा मोड़ा एडिटिंग बचा है, तो सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट का PDF आ जाएगा, जिसमें एक PDF में कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप उसको पढ़ के अच्छे से SSCGD का एग्जाम निकाल पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको PDF चाहिए, अगर ज़्यादा बच्चे डिमांड करते हैं PDF का, तो मैं बहुत जल्द सबके लिए PDF लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।